रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कलमा तैयबा। कलमा तैयबा, कलमा बात को कहते हैं, तैयबा पाक यानी पाक बात। ये हमारा पहला कलमा है जिसको कलमा तैयबा कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब बच्चों देखें, कलमा के दो हिस्से हैं। पहले में हमें क्या बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह ही है जिसकी हमने इबादत करनी है, उसके अलावा हमने किसी की इबादत नहीं करनी। और इसके दूसरे हिस्से में क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और उनकी तालीमात पर हमने अमल करना है। जो शख्स इस कलमे पे अमल करता है वही मुसलमान होता है। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। कलमा तैयबा के मायनी हैं पाक बात। पहले कलमे को कलमा तैयबा कहा जाता है। कलमा तैयबा को मानने वाला इस्लाम में दाखिल हो जाता है, यानी गैर मुस्लिम जब कलमा पढ़ेगा तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, जबकि इसका इनकार करने वाला काफिर कहलाता है। यानी जो कलमे का इनकार करेगा वो कौन कहलाएगा? काफिर कहलाएगा। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कलमा तैयबा के ज़रिए अपने मुसलमान होने का ऐलान करे और फिर अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करें। यानी कि जब हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करना भी ज़रूरी है, तब हम पक्के और सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। इसी तरह वो एक अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बन सकता है। प्यारे बच्चों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सबसे अफजल जिक्र है, यानी आप वैसे तस्बीह के तौर पे भी इसको पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुश्किल अल्फाज देखें, ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। लाइक, काबिल, अफजल, सबसे बेहतर। असद कलमा तैयबा याद करने में दोस्त हामिद की मदद कर रहा था। हामिद बोला, असद कलमा तैयबा का क्या मतलब है? असद को कलमा तैयबा का तर्जमा भूल गया, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? तो आप अपनी बुक से देखें कि इसका क्या तर्जमा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आपने कलमे के साथ साथ तर्जमा भी याद करना है। जब आप क्लास में आएंगे तो आपकी टीचर ये तर्जमा आपसे सुनेंगी। मश्क पे आ जाएं, मश्क देखें, मुख्तसर जवाब दें। कलमा तैयबा किसे कहते हैं? पहले कलमे को कलमा तैयबा कहा जाता है। इबादत के काबिल कौन सी हस्ती है? बच्चों पता चल गया होगा आपको कि कौन सी हस्ती है इबादत के काबिल। इबादत के काबिल अल्लाह की हस्ती है। कलमा तैयबा के ज़रिए एक शख्स क्या ऐलान करता है? कलमा तैयबा के ज़रिए एक शख्स अपने मुसलमान होने का ऐलान करता है। अब ये काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है। बुक वर्क देखें, मुदज्जा ज़ेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्फाज कौन कौन से हैं? अफजल, इबादत, पाक बात, अल्लाह ताला। डैश के काबिल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। किसके काबिल है? इबादत के। कलमा तैयबा का मतलब है पाक बात। कलमा तैयबा अल्लाह ताला का सबसे अच्छा जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सबसे डैश जिक्र है। क्या जिक्र है बच्चों? अफजल। अब बच्चों आपने इसकी पढ़ाई करनी है और जो काम आपका कॉपी का है वो आपने कॉपी के ऊपर नीट एंड क्लीन और प्यारा सा करना है। जो आपका बुक वर्क है वो आपने बुक वर्क करना है। इसके साथ साथ आपको कलमे का तर्जमा भी याद होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।